बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी वाइफ आलिया सिद्दीकी बहुत जल्द होंगे अलग, दोनों ले रहे हैं तलाक। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में है। कुछ दिन पहले उन्होंने भाई और पत्नी पर मानहानि का मुकदमा ठोका था। अब पत्नी आलिया सिद्दीकी ने कंफर्म किया है कि नवाज ने समझौते के लिए उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, जल्द ही अब दोनों का तलाक हो जाएगा, ये अलग हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वह अपने बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ेंगी क्योंकि वे उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। नवाजुद्दीन और आलिया के बीच लंबे समय से काफी तनातनी चल रही है, दोनों एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाल रहे हैं। वहीं अब आपको बता दूं कि नवाजुद्दीन ने भाई शमसुद्दीन सिद्दीकी और आलिया से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया है। इंटरव्यू में एक आलिया ने खुलासा किया कि वह मौजूदा समय में एक किराए के अपार्टमेंट में रह रही हैं, जिसे उनको जल्द ही खाली करने के लिए कहा गया है। वह बताती हैं कि मुझे 30 मार्च तक खाली करना था, लेकिन मैंने एक महीने इस तारीख को आगे बढ़ाने का रिक्वेस्ट भी किया क्योंकि मुझे रहने के लिए दूसरी जगह नहीं मिल रही है। इस विवाद के कारण सोसाइटी मुझे किराए पर प्रॉपर्टी देने से इनकार कर रही है। अब पत्नी आलिया सिद्दीकी ने कंफर्म किया है कि नवाज ने समझौते के लिए उनसे कॉन्ट्रैक्ट तो किया है और जल्द ही अब दोनों तलाक ले लेंगे और साथ ही साथ अब दोनों बच्चों की कस्टडी के लिए भी लड़ने वाले हैं। नवाजुद्दीन और आलिया के बीच वैसे लंबे समय से तो कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो वहीं अब आप बताएं कि आखिरकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी वाइफ आलिया के अलग होने यानी कि दोनों के तलाक होने की खबर पर आपके क्या है रिएक्शन, और आपको क्या लगता है कि बच्चे की कस्टडी किसे मिलनी चाहिए।